guys, husband's back. He's talking on phone all the time. He's such a loser. He's such a loser. Still drive me crazy. Hi guys, it's a silent day. Guys, you guys can see them. They're dancing. Move from the frame, guys. Move. हफ्ते की शुरुआत है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एक्सक्यूज मी डैडी, मैं पालना सारा कुछ पालना. आई एम गोना पुट एवरीथिंग नाउ. सो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे कोई फ्रेश एक्सरे करने हैं, तो मैं वो पिकअप करने के लिए जा रही हूँ. और हम जा रहे हैं सिमोन लैशेस को डिलीवर करने के लिए और होर की करेंगे और मैं थोड़ा मजा करके आऊंगी और इन दोनों वहीं रह देंगे कल. तो की कर ले, जा रही हूँ मैं अपने आलतू फालतू काम करने के लिए और मेरा शॉपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मन है और मेरे सारे कपड़े मुक गए हैं. पर की करिए, शॉपिंग करने के लिए जा नहीं सकते. सो मैं जगह जगह देख रही हूँ ऑनलाइन कहाँ से खरीदूँ. पता नहीं कितनिया कार्ट्स से मैं सामान पा के रखा और पर कोई भी सक्सेस नहीं हो रहा. चलो चल जाओ. हस्बैंड, यू वांट ऐड समथिंग? ऐड समथिंग नहीं है, ऐड नहीं करना. मैं हल्दी करी क्यों है यार? ये व्लॉग चैट अप कर. सारे सब कहते हैं कि जो तुम व्लॉग चाहते हैं व्लॉग च जान आ जाती है और एवरीबडी सेज दे लव यू सो मच. सारिया गर्ल्स दे पति कहते आप बंदा बड़ा कमाल है. रियली पीपल सेंड मी मैसेजेस, थैंक्स कर दो पतियां नु. थैंक्स गाइस, आई रियली वर्क हार्ड. कोई वीडियो वेखन लगे होने आ फूड दी. ओके बाय, आई एम गोना मिस यू लालू सो मच. हेलो दोस्तों, so I am almost ready to go. glasses bhi pan akha de bhi chal janda nahi. aha can't see anything. ganiya utte changa bhai dosto, baal khiller gaye. लैशेस लगा के ग्लासेस पहनना भी बड़ा मुश्किल काम है, पर की करिए, खूबसूरती एडी आसानी ना आती नहीं. वैसे इन्नी तैयारी गड्डी च करके पहनने की लोड़ नहीं है, पर फिर अचानक से एकदम से बंदा जा सकता है ना बाहर. ईयो और कई बार जो दिल चाहता भी नहीं चाहता साडा दिल भरावा. कई बार जो दिल चाहता, ओ यार जा जा, रोना नहीं वधिया लगदा मैनू. कमाल है अच्छे गानों की, प्लीज कमेंट बार में बताना, क्योंकि मुझे गाने मिलते ही नहीं है कोई अच्छे. और या प्लीज बताना, पर नो सैड सॉन्ग्स बिकॉज आई एम नॉट अ सैड सॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन. सो नो सैड सॉन्ग्स प्लीज. आई लाइक दिस सॉन्ग. तो मैं डॉक्टर के पास पहुंच चुकी हूँ, पर वो मुझे अंदर नहीं आने देगी क्योंकि उसने कहा है कि बाहर आके फोन करो, फिर ही दसांगे कि खोलना कि नहीं खोलना. सो मैं जल्दी से जाके अपना वो लेके आती हूँ फैक्स. ओके, वापस आ चुकी हूँ मैं नन्हे मन्ने से काम करके. मुझे फैक्स पिक करनी थी मेरे एक्सरे के लिए, जो मैं अभी नहीं करवाने वाली हूँ, कुछ दिनों के बाद करवाऊँगी. एंड मुझे डिलीवर करना था सिमोन लैशेस पोस्ट ऑफिस में और वो कर दिया है मैंने. बहुत सारी बातें करनी है मुझे आप लोगों से. बहुत सारे दिन हो चुके हैं कि मैंने आपसे कोई अच्छे तरीके से बात की हो,
बस भज दौड़ में रहती हूँ मैं. सो मैंने कल इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि कैसे चल रहे हैं आपके हाल चाल, और बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए. सो उनमें से अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे उसके हम रिप्लाई दे देंगे. और आजकल मैं क्या कर रही हूँ उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. आजकल मैं क्या कर रही हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ. अगर मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक टॉपिक घुस जाता है तो मुझे उस पर बहुत सारी जानकारी हासिल करनी होती है, क्योंकि मैं अजीब हूँ इस मामले में. मुझे बहुत 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 पढ़ना है उस चीज़ के बारे में, बहुत चीज़ें जाननी है उसके बारे में, फिर मैं एक पागलपन की हद तक पहुंच जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती है. फिर मैं सोचती रहती हूँ सारी रात उसी चीज़ के बारे में. सो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, आजकल मैं ज़ोडियक साइंस के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ. मुझे लगता है कि मैं अति ज्ञानी ऑलरेडी बन चुकी हूँ. और ज़ोडियक साइन कैसे आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं, कैसे आप उन चीज़ों के साथ रिजेंबल करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हूँ. मैं कोई भी चीज़ों पे ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जो चीज़ें लिखी हैं आपकी लाइफ वैसे ही होगी. यस, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पल्ला नहीं हिलाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी हो सकती है. पर अगर आप डिसाइड करें, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं. अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपकी लाइफ डिज़ास्टर होने वाली है, तो आप उसको अच्छा बनाना आपके हाथों में है. आप अपनी रेखाओं को चेंज कर सकते हैं. मेरा विश्वास इस चीज़ में है. अगर आप डिसाइड कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं. सो मुझे लगता है कि अराउंड पिछले 9-10 डेज से मैंने रिसर्च कर करके बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है मेरे बारे में. मैंने मेरे नियर डियर्स के भी डेट ऑफ बर्थ और जन्म के टाइम लेके उन पे रिसर्च की है. स्पेशली मैंने मुझ पे की है, अब मैं हस्बैंड पे कर रही हूँ उनके बारे में चीज़ें जानने में. और इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स कैसे मैच करते हैं उस चीज़ के साथ. आपको पता भी नहीं होता है कि दैट्स मी. मैं बहुत हैरान हो रही हूँ ये सारी चीज़ें जान के. आपको पता है मैंने कितनी बार बताया कि मैं वर्गो हूँ, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. और जब कहीं पर भी बाहर जाती हूँ मैं किसी पार्टी में, तो मुझे होता है कि मैं पूरा इंजॉय करूँ. मैं सिर्फ रेगुलर वर्गों की तरह कोने में नहीं बैठती हूँ, मैं चल करती हूँ, मज़ा करती हूँ, इन्वॉल्व होती हूँ हर एक के साथ. तो ये मेरी वर्गों के साथ चीज़ मैच नहीं कर रही थी. तो अब मुझे पता चला है कि सन साइन के साथ साथ मून साइन भी होता है, और एक होता है राइजिंग साइन. सो जो राइजिंग साइन, आई डोंट नो अगर आप इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग है या नहीं, पर मैं बहुत हूँ. जो राइजिंग साइन है वो आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है कि आप दुनिया के लिए कैसा मखौटा या मास्क पहनते हैं, या आपकी बाहरी पर्सनैलिटी कैसी होगी वो राइजिंग साइन डिसाइड करता है, वो सन साइन डिसाइड नहीं करता है. सो मेरा जो राइजिंग साइन है वो है लियो. दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट तरीके से दिखाती हूँ, पर जो मेरा रियल कॉर इनसाइड है वो वर्गो है. सो यार, बहुत मज़ा आया मुझे ये जान के, और मैं बहुत एक्साइटेड एंड उत्सुक हूँ आपके ज़ोडियक जानने के लिए. प्लीज़ मुझे बताना कि आपके ज़ोडियक कौन से हैं. अगर आपको पता है कि आपका राइजिंग साइन कौन सा है वो भी बताना मुझे, क्योंकि आप हैरान होंगे जान के कि राइजिंग साइन कितनी चीज़ें आपको बता सकता है कि आपका फिज़िकल कैसे दिखेंगे. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका राइजिंग साइन क्या है और सन साइन क्या है और मून साइन क्या है, मैं एक बर्थ चार्ट का कैलकुलेटर नीचे छोड़ दूंगी. उस पर आप अपना जन्म का समय एंड जन्म की जगह और कंट्री डालें तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप पैदा हुए थे तो यूनिवर्स की सिचुएशन कैसी थी. सो वो हर चीज़, हर हाउस डिसाइड करता है, नॉट डिसाइड करता है पर उससे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मैच होती है. सो या ये काम कर रही हूँ आजकल मैं. और अब देख लेते हैं कि आपने की गल्ला कीतियाँ हैं इंस्टाग्राम पे. एक्चुअली आज मुझे मेरा ब्यूटी रूम क्लीन करना है. बहुत समय हो चुका है कि मैंने उसको क्लीन नहीं किया. मैं रियली उसको क्लीन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो मैं क्लीन करती हूँ तो मैं ज़्यादा, मेरा मन करता है कि वहाँ पे बैठ के काम करिए, अदरवाइज़ फिर मैं टाइम पास हो जाना मेरा. ओके, सो किसी ने कहा है कि सिंड्रेला ने कहा है कि आप कैसे हो और मुझे आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. थैंक यू सो मच सिंड्रेला, और आई लव यू टू. बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि वो बोर हो रहे हैं घर में. मैंने एक्चुअली पूछा था कि आपका क्वारंटीन कैसे जा रहा है. बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि वो बोर हो रहे हैं, बहुत सारे ने कहा है कि मैं थक गए हैं. सो सॉरी यार, होपफुली ये सारी चीज़ें जल्दी फिनिश हो जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है. स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनको बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है. मुझे तो नॉर्मली लग रहा है, क्योंकि
मैं तो घर पे रह के ही चार्ज फील करती हूँ. ओके, किसी ने पूछा है कि वो वॉज द लास्ट मूवी यू वेंट टू, वट डिड यू थिंक? मुझे लगता है कि लास्ट मूवी हमने देखी होगी सज्जन सिंह रंग रूट, आई गेस. और वो मुझे मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी. जैसे मूवी की हाइप थी, ओ माय गॉड, आई रियली डिडंट लाइक इट. नो, ओके, एक्चुअली दोस्तों ने सिर्फ यही कहा है कि उनको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करूँ. कोई कह रहा है कि मुझ मैं मिस करती हूँ कि आप जब मेकअप वीडियोज़, बहुत सारी मेकअप वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं. और अब मैं जाने वाली हूँ क्लीनिंग करने के लिए मेरे मेकअप रूम की. अगर आप पूछना चाहते कि मैंने कौन सी लिपस्टिक पहनी है, तेन लिपस्टिक पाई है मैं डिफरेंट. सो यस, दैट्स इट, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो टू क्लीन रूम. एक्चुअली आई एम फीलिंग हंगरी एज वेल एंड स्लीपी. हेलो स्वीटहार्ट्स, सो No, you just said you were Mimi. You said I'm sweetheart. Yes, you are my sweetheart, but my Mimi family is my sweetheart too. Please, thanks. कह रहे कि तुम मुझे स्वीट हार्ट कहती हो, उनको क्यों कह रही हो. सो नीचे आ चुकी हूँ मैं और अब मैं इसी व्लॉग को एडिट करके आज ही अपलोड करने वाली हूँ. एंड टीवी पे क्राइम शो चल रहा है क्योंकि मैंने क्राइम शो देखने से बहुत मज़ा आता है. और किचन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मेरी किचन की क्लीनिंग के लिए मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प लेने वाली हूँ. अदरवाइज़ किचन को ऐदे ही रहने देना आज चाहिए, क्योंकि ना ये पति लोग इतने कामचोर हो जाते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, तो फिर नहीं चल रहा है. इसलिए अहीं जाते ऐदे ही रहने देना आज, यहाँ पति की हेल्प. Oh, excuse me. All right, डिनर के लिए आज मैंने बनाया है लज़ानिया, जिसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की है, पर फ्यूचर में डेफिनेटली जब भी कुक करूँगी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी. ये लज़ानिया है वेजिटेरियन और इसको हम खाने वाले हैं बहुत ही अच्छी इटालियन ब्रेड के साथ, जिसको मैंने गार्लिक एंड चिली फ्लेक्स के साथ टोस्ट कर लिया है. और ये हमारा डिलिशियस मील तैयार है. लज़ानिया बहुत अच्छा बना था. Hi again from editing me. Husband's busy on phone as usual. He's very talkative. He loves talking on phone and he disturbs us a lot. So yes, I thought let's end this vlog right here. I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, give this video a huge big thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. Follow me on my social media. All the links to my social media in description box. I'm gonna see you guys in the next one. Thank you so very much for watching. I love you guys so much. All right guys, husband's back. He's talking on phone all the time. He's such a loser. He's such a loser. Such a loser. Hone bhujia khan la paya. Kehde time na bhujia hai? इवनिंग बुढ़िया. सो हस्बैंड यहाँ पे आ चुके हैं. मैंने आपको दिखा दी है मेरी किचन की हालत, क्योंकि मैं आज नहीं क्लीन की था. आज मेरे पति में ना हेल्प करोगे तो क्लीन होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा. सो यू अग्री हेल्पिंग क्लीनिंग? आई थिंक अबाउट इट. प्यार ये हेल्प करनी मैंने. यस और नो, पिक वन. यस, ऑल राइट. सो यस दोस्तों, आई होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल. जस्ट स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग. बाय लालू. तू ही भी जाओ, बाय लालू, बाय. ओए पुचिया कर देना, पुचिया के ना होने. बाय लालू. Hi, प्यारी, नहीं पूछी, प्यारी.